दिवाली में बस दो ही दिन बचे हैं और रांची के सभी चौक चौराहों में दिवाली बाजार सज धज कर तैयार है। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम थोड़ा सा दिवाली बाजार दिखाते हैं। वीडियो देखने से पहले एक बार देख लीजिए कि कैमरे के पीछे कौन है। हेलो, नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका रांची क्लिप में। अब आइए वीडियो को देखते हैं। रांची में पटाखे बाजार भी लग चुके हैं। अगर आपको होलसेल रेट में लेना है तो आप रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आके ले सकते हैं। यह रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम है, जहां के मैदान में आप देखिए पटाखों की दुकान लगी गई है। काफ़ी सारे दुकान हैं, करीब 15-20 दुकान यहां लगाए गए हैं पटाखों के। तो चलिए कोई दुकान के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बार कौन कौन से पटाखे हैं। पटाखे हैं जैसे कि इको फ्रेंडली हो गए, नॉइस पोल्यूशन जो नहीं हो, उस तरह के पटाखे, ग्रीन और जितने बेहतरीन हो सकते हैं उतने सभी प्रकार के पटाखे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और हमारे यहाँ नहीं, हमारे जितने भी साथी बंधु यहाँ पे, जितने भी दुकानदार हैं, सभी के पास में अलग अलग वैरायटी के नए नए किस्म के सारे ही पटाखे हैं। जी, यहाँ होलसेल रेट में, होलसेल रेट में हमारे पास में रिटेल यानी कि आपको सभी सामान मिल जाएंगे। जी, और इस बार का कैसा मार्केट, कैसा आपका मार्केट? इस बार का बहुत डाउन है। हमारी जो सरकार है, जो सत्ता में है, वो इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि जिसके कारण सभी आदमी त्रस्त है। इस बार पटाखे में कुछ नया ऐड हुआ है, कोई भी ऐसा पटाखा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जो पहले मान लीजिए चाइनीज़ जो भी पटाखे हुआ करते थे, वो सब का पूरा बहिष्कार कर दिया गया है। लगभग 2-3 साल से उनका उपयोग नहीं हो रहा। बाकी जो भी है हमारी इंडियन पटाखे जो भी हैं, वही सब उपलब्ध हैं हमारे पास। इको फ्रेंडली सब पटाखे हैं? हाँ, इको फ्रेंडली हैं, जो प्रदूषण ना करे वैसे पटाखे वो सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। इन पटाखों के अलावा आप कचहरी चौक जाएंगे तो कचहरी चौक से शहीद चौक वाले रास्ते में दोनों तरफ आपको दिवाली बाजार सजा दिखाई देगा, जहां आपको दिवाली के सभी तरह के सामान यहां आपको मिल जाएंगे। मिट्टी के दिए, इसके अलावा घरौंदा मिल रहा है, सुंदर, काफ़ी सुंदर घरौंदा इस बार आपको देखने को मिलेगा। और यह घरौंदा में बहनें अपने भाई के लिए पूजा करते हैं। इन सभी के रेट क्या है ये मैंने नहीं पहुंचा, क्योंकि बहुत लोग कैमरे को देख के नज़र हटा देते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका कोई वीडियो बनाए। हो सकता है बहुत लोग मजबूरी में यह काम कर रहे हैं और ये शायद मैं इनकी जगह होता तो भी मैं भी नहीं चाहता। और बहुत सारा बार यह भी देखा गया है कि बहुत लोग यहाँ आते हैं, दाम पूछते हैं और लेते नहीं हैं। तो ऐसे में जितने भी लोग वीडियो बनाने जाते हैं वो लोग रेट पूछते हैं पर ख़रीदते नहीं हैं। वैसे में वो इंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, वह समझ जाते हैं कि ये लोग दाम पूछ के लेंगे नहीं। इससे पहले जो मैं पटाखे की दुकान में गया तो वहाँ एक भैया ने भी मुझे ये बोला कि आज सुबह से भले ही मेरे यहाँ 2 ग्राहक नहीं आए पर 10 वीडियो बनाने ज़रूर आ गए। आजकल इतने ज़्यादा तादाद में यूट्यूबर आ गए हैं और जिनके हाथ में मोबाइल है सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। तो अब इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है कि लोग अब चाहते नहीं हैं कि कोई भी आए और उनका समय जाया करे, रेट पूछे और चले जाए। तो आप अगर आपको लेना है तो आप वहाँ जाए और एक बार दाम ज़रूर पता करें। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे माँ की मूर्ति भी है। चारों तरफ आपको सजाने के सामान दिख जाएंगे। लाइट वगैरह का अगर आपको लेना है तो भी आप यहां से ले सकते हैं। इसी तरह के बाज़ार रांची के सभी जगहों में हैं, दोनों तरफ रोड के इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ ये बाज़ार लगे हुए हैं। सुंदर सुंदर घरौंदा, बहुत लोग घरकुंदा भी बोलते हैं, ये है लकड़ी के बनाए गए हैं जिसको पेंट करके रखा गया है। यहाँ आपको महिलाएँ पेंट करते हुए भी दिख जाएंगे। दिवाली के जितने भी सामान हैं वो सारे सामान आपको यहाँ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो कुछ सामान छूट गए जो आपको दूसरे जगह से लेना पड़ेगा। 2 साल के बाद इस बार काफ़ी अच्छे से दिवाली मनाया जाएगा। और कोरोना के बाद यह देखा गया है कि जो भी पर्व त्यौहार आए हैं वो बड़े स्तर पर मनाए जा रहे हैं। इससे पहले जो दुर्गा पूजा हुआ था रांची में वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर मनाया गया था। इसी तरह दिवाली भी आशा करते हैं कि बड़े स्तर पे हो। कल धनतेरस है तो धनतेरस में जो भी बाज़ार में बिक्री होगी वो भी काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि 2 साल से ही नहीं हुआ था। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से इस बार हो रही हैं। तो पूरा ये मार्केट आप घूमिए और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और झारखंड से जुड़ी सभी तरह की वीडियो देखने के लिए रांची क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
और इसी चैनल में हम आपको दिखाएंगे कि इस बार रांची में किस तरह माँ काली का पंडाल बनाया गया है। वो भी अगर देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।